Hello friends, good morning. I am from Directing Group of Institute, your tally instructor. Hopefully जो हमने last lecture में किया था job posting सबको समझ आया होगा. अगर किसी भी student का doubt है तो वो comment box में comment करके अपने doubt को clear कर सकता है. आज जो हम next topic कर रहे हैं point of sale, POS. POS means point, P means point, O means of, S means sale. Business में point of sale एक अच्छा रोल प्ले करता है. कई बार क्या होता है, हमारे पास ऐसे कस्टमर आते हैं जो हमसे सामान लेते हैं और साथ के साथ हमसे बिल की डिमांड करते हैं. जैसे कि कोई कस्टमर हमारे फर्नीचर की शॉप पर आता है, हमसे फर्नीचर खरीदता है, तो हम उसे क्या देंगे, बिल बनाकर साथ के साथ देंगे. समटाइम आजकल हम देखते हैं कि ऑनलाइन जो शॉपिंग होते हैं उन पर वाउचर्स आते रहते हैं, उन वाउचर्स के लिए भी पॉइंट ऑफ सेल एक अच्छा रोल प्ले करता है. तो पॉइंट ऑफ सेल एक बिल बनाने का ही तरीका है और कुछ नहीं है. मान लीजिए अगर हम किसी से ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, अमेजन से हमने पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड और एक फोन खरीदा, तो कई बार हमारे पास इकट्ठी शॉपिंग करने पर हमें वाउचर मिलता है. 20,000 का हमने शॉपिंग किया है जिसके ऊपर हमारे पास 2,000 का वाउचर है, तो इट मीन्स अब हमें कितने की पेमेंट करनी है, 18,000 की. सबसे पहले आपको क्या करना है, फीचर अनेबल करना है. फीचर को अनेबल करने के लिए सबसे पहले आपको F11 देन F1 यानी अकाउंटिंग वाउचर में अनेबल इनवॉइसिंग के फीचर को आपको ऑन रखना है. अनेबल इन्वॉइसिंग के फीचर को आपको ऑन रखना होगा. ये देखिए आपको इन्वॉइसिंग के फीचर में नजर आ रहा होगा, ये यस है. इस फीचर को यस करने के बाद आपको कंट्रोल प्लस ए से क्या करना है, सेव करना है. अब आप क्या करेंगे, अकाउंट्स इन्फो में जाएंगे, वाउचर टाइप्स में जाएंगे. वाउचर टाइप्स में जाने के बाद आपको क्या करना है, क्रिएट. क्रिएट में जाने के बाद आपको POS इन्वॉइस, जो POS इनवॉइस है वो किसके अंदर बनेगा, सेल्स के अंदर. आपको क्या करना है, यूज फॉर POS इनवॉइसिंग के फीचर को यस करना है. मैसेज टू प्रिंट, आप कोई भी मैसेज टाइप कर सकते हो जो आपको अपने बिल पर प्रिंट करवाना है. लाइक मैंने थैंक यू विजिट एंड स्माइल प्लीज का मैसेज दिया. अगर हम टाइटल देना चाहते हैं ऑलवेज, एक शॉपकीपर जो होता है अपने कस्टमर के लिए ऑलवेज अवेलेबल रहता है बिकॉज वो एक बिजनेस के अर्निंग का मेजर सोर्स होता है. ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू. सेट डेक्लरेशन, अभी हम कोई डेक्लरेशन नहीं दे रहे हैं. नेम ऑफ क्लास, समटाइम हमारी सेल ऐसी होती है जिसके ऊपर क्या लग रहा होता है, टैक्स. सेल्स एट द रेट 95%, 5% GST है. अब आपके पास देखिए क्या आ जाता है, गिफ्ट वाउचर. अगर आपके पास गिफ्ट वाउचर है तो आप इस अनेबल ऑप्शन को यस रखोगे. ओल्ड सी करके गिफ्ट वाउचर के ऑप्शन को आपको क्या करना है, सन्ड्री डेटर के अंदर. ये बात ध्यान रखना, सन्ड्री डेटर में ही इसका लेजर बनता है. गिफ्ट वाउचर का लेजर सन्ड्री डेटर में ही बनता है. अगर आप कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं तो इस ऑप्शन को यस, मैं नहीं कर रही हूं तो मैंने नो कर दिया. चेक से मैं कर रही हूं, HDFC बैंक का मेरे पास चेक है, HDFC बैंक का ही मेरा अकाउंट है. जिसका लेजर मैं किसमें बनाऊंगी, बैंक अकाउंट में बना रही हूं. अगर आप कैश से पेमेंट कर रहे हैं तो आप कैश सेलेक्ट करेंगे. लेजर में ओल्ड प्लस सी प्रेस करने के बाद आपको सेल्स एट द रेट 95% का लेजर बनाना है. सेल्स का लेजर सेल्स के अंदर ही बनेगा. आप 95% की सेल कर रहे हैं तो 95 GST एट द रेट 5% का लेजर बनाया हमने. GST का लेजर ड्यूटीज एंड टैक्सेस अदर 5% लेस. GST हमेशा हमारी सेल्स पर लगता है तो ऑन टोटल सेल्स. ये क्या हो चुका है, हमारा वाउचर टाइप में बन चुका है. यानी कि जो मेजर काम होता है चेंजेस करने का, बिल पे प्रिंट करने का, वो हम कर चुके हैं. अब हमें क्या बनाने हैं, लेजर. लेजर हमने बना लिए हैं गिफ्ट वाउचर का. कार्ड से हम पेमेंट नहीं कर रहे हैं, हम चेकबुक से पेमेंट कर रहे हैं, तो हमने चेकबुक से लेजर क्रिएट कर लिया. उसके बाद हमने कैश का लेजर बनाया था. अब आपको क्या करना है, गेटवे ऑफ टैली से अकाउंटिंग वाउचर्स पर जाना है. अकाउंटिंग वाउचर्स पर जाने के बाद आपको F8 प्रेस करना है. F8 पर आपको POS इनवॉइस क्लास को सिलेक्ट करना है जो कि हमारी 95% वाली सेल है. सबसे पहले देखिए आपको क्या करना है, आप पार्टी अकाउंट नेम, उस पार्टी का नेम जिसको आप सेल करेंगे, लेजर क्रिएट कर रहे हैं जिसको हमने गुड्स सेल किए. रमन ट्रेडर्स कंपनी एक पार्टी का नेम था जिसने हमसे गुड्स का ऑर्डर दिया था, एक मोबाइल फोन, एक USB पेन ड्राइव, सैंडिस्क का
और एक साइंटिस्ट का ही मेमोरी कार्ड जो कि टोटल 20,000 की वैल्यू थी, 2,000 तो उनके पास क्या था, वाउचर था। नेमो फाइंडर में ऑल्ट प्लस सी प्रेस किया, सबसे पहले यूएसबी पेन ड्राइव। यूनिट्स में ऑल्ट सी प्रेस करने के बाद आपको लिखना है पीसीस। हमने एक पीस 1,000 का सेल किया और हमने क्या सेल किया, ओप्पो रेनो 9 का फोन, यूनिट्स में पीसीस, वो भी एक था क्वांटिटी में, जिसकी कीमत क्या थी 18,000। देखिए और क्या था, ओल्ड सी प्रेस किया मेमोरी कार्ड, यूनिट्स पीसीस, जो कि कितनी क्वांटिटी थी, दो, कितने का एक था 500 का, टोटल 1,000। टोटल वैल्यू के कितने की सेल हुई, गिफ्ट वाउचर कितने का था हमारे पास, 2,000 का। देखिए अब 20 में से 2,000 का आपके पास वाउचर हो जाता है तो आपको कितना कैश देना, ओनली 18,000, जिसमें से वो चेक से कितने की पेमेंट कर चुका है, 5,600 की। HDFC बैंक नेम एंटर किया मैंने, जो चेक नंबर होता है एक बात ध्यान रखना, वो हमारा कितने डिजिट्स का होता है, 5 डिजिट्स का। 12,400 की पेमेंट हमने कैश में करनी है, जिसमें से मैंने उसको 13,000 दिया, 600 बैलेंस का मतलब है उसने मुझे कैश वापस कर दिया। ये हमारा क्या था, पॉइंट ऑफ सेल का इनवॉइस, जो साथ के साथ हमारे को प्रिंट होकर मिल जाएगा ताकि हम कस्टमर को साथ के साथ बनाकर दे सके। काजल POS के नाम से हमने इस बिल को क्या किया है, सेव किया। प्रेशन टाइटल मैसेजेस वाउचर्स, जीवी वाउचर को हमेशा सन्ड्री डेटर के अंडर लेजर क्रिएट करते हैं, बैंक से पेमेंट है तब वो भी फिल करते हैं हम, तो सारी डिटेल हमने फिल की थी, जिसके वजह से हम साथ के साथ अपने बिल को प्रिंट आउट कर सकते थे। होपफुली प्रैक्टिकल सबको समझ आ गया होगा, जितने भी शोरूम्स होते हैं वहाँ पर मोस्ट ऑफ इसका यूज़ किया जाता है, तो ये बिल आपको आना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है और अपने डाउट को क्लियर कर सकता है। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट प्रैक्टिकल के साथ। थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन माई चैनल। थैंक यू।